हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी कोई भी फाइल है, एमएस वर्ड फाइल हो, एमएस एक्सेल फाइल हो या पीडीएफ हो, और आप उसके दो पेजों को एक ही पेज पे यानी फ्रंट और बैक यानी दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हो। आपने देखा होगा कई फाइल होती है, कई पेज होते हैं, जैसे बैंक के हो गए या कई और चीज़ें हो गई, उसके आगे और पीछे दोनों साइड प्रिंट हुआ होता है, दोनों ही साइड डिटेल लिखी हुई होती है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट है, एक पीडीएफ में और एक एमएस वर्ड में। दोनों सेम ही डॉक्यूमेंट हैं पर अलग अलग फॉर्मेट में हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड में आते हैं। अगर आपकी फाइल एमएस वर्ड की है तो आप दोनों साइड प्रिंट कैसे कर सकते हो, अगर आपकी पीडीएफ की है तो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे अपनी फाइल को देख लीजिए, आप देख सकते हैं हमारे दो पेज हैं यहाँ पे, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, हमने समझाने के लिए लिखा भी है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है, शायद आपके पास ऐसा पेज आएगा। अगर अलग पेज आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा पेज आ सकता है। तो यहाँ पे डिटेल सिलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहले अपना प्रिंटर, यहाँ पे करंट पेज कर लीजिए या ऑल पेज कर लीजिए, तो सिलेक्शन देख लीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज एक कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट व्हाट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। यहाँ पे लिखा होगा स्केल टू पेपर साइज, यहाँ पे A4 कर लीजिए और ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा होगा प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा होगा एक ऑप्शन टू साइडेड ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, तो इस वाले पे ध्यान दीजिए और इस पर क्लिक करिए और ओके कर लीजिए और प्रिंट की कमांड दे दीजिए यानी ओके कर दीजिए और आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी ये वाला पेज आपके पास नहीं आ रहा है तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हम पीडीएफ को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में है, शायद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ रहा हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है या यहाँ पर मिल सकती है। तो ये फ्रंट साइड है और नीचे की तरफ वाला पेज हमारा जो बैक साइड है, तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम फीचर मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रिंटर, कॉपीज, कितने पेज आपको करने हैं, कलर ब्लैक एंड या वाइट, तो यहाँ पे कर लिया है हमने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें और प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे क्लिक कर लीजिए। दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वन साइड पे मत करिएगा, इस वाले पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स भी मिल जाएगी, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं और पेपर के साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे A4 कर देते हैं, तो कर दिया है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा कैसा लगेगा हमारा पेज। इसके अलावा और भी चीजें हैं, और प्रिंट की कमांड दे दीजिए यानी ओके कर दीजिए और यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो प्रिंट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रिंटर है उसने प्रिंट की कमांड ले ली है और यहाँ पे हमारा जो प्रिंट है वो निकला है। पर आपको इसे पकड़ना नहीं है, आपका जो प्रिंटर है वापसी आपका जो पेज है वो पकड़ लेगा और दूसरी साइड अपने आप ही प्रिंट होने लग जाएगा। और जब आपका प्रिंटर आपका पेज छोड़ दे तो इसका मतलब आपका प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड है और पीछे की तरफ बैक साइड है। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे और पीछे दोनों साइड प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप पहले ट्रायल कर लीजिए, एक पेज या दो पेज से आपका प्रिंट निकल जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।